औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी कम टू द सेकंड पोर्शन ऑफ अवर रीडिंग टेक्निक्स। दीज टू टेक्निक्स, द एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग टेक्निक्स, वी हैव जस्ट गॉन थ्रू स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स। द फर्स्ट टू टेक्निक्स we use in reading comprehension. Now we come to the larger extent of comprehension reading. These two techniques are often compared to each other to make their meaning clearer for the students. Yet we will study them separately here. Then we will compare them at the end of our sessions about these two techniques. Aziz talaba wa talibat, aaj hamara mauzu extensive reading hai, aur ye do techniques intensive reading aur extensive reading, ab dusra hissa hamara skimming aur scanning ke baad ye shuru ho raha hai. Jaise ki aapne shuru mein note kiya ki ye char major techniques of reading comprehension hai jinhe hame janana hai taaki hum फुल कॉम्प्रीहेंशन या इन डेप्थ कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारी एकेडमिक कॉम्प्रीहेंशन है, उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा सकें। तो आइए देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग कैसे की जाती है और इसके मानी और मतालब क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज द नेम इंडिकेट्स, दिस टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक रेफर्स टू लॉन्गर वर्जन ऑफ रीडिंग। It is mostly called reading for pleasure and ease. It is often done independently outside classroom situations. Surely, it is reading for full comprehension of the material. It can be carried out at home in leisure time, just like reading a newspaper, a novel, a storybook, or any other material of your own choice. It can be academic as well. When the reader reads the textbooks in his own way at home to get the goal of his understanding the material under study. Aziz talaba o talibat, jaise ki iska naam extensive reading jo hai wo zahir karta hai, extend hamara verb hai, usse ye humne adverb aur adjective extensive noun bhi hai ye humne create kiya hai, जिसके मानी एट लार्ज के होते हैं, वसी पैमाने पर होने वाली, बड़े पैमाने पर होने वाली, फैली हुई। एक्सटेंड के मानी फैलाना, बढ़ाना, स्प्रेड के मानी में जो है वो हम लेते हैं, किसी चीज़ में ऐड करना, इजाफा करना। तो बेटे, ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, इस लिहाज से एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जो रीडिंग के तवील सिलसिले को या लंबे अरसे तक होने वाली रीडिंग के सिलसिले को ज़ाहर करती है। इसे जो है अमूमी तौर पर ये खुशी के हसूल के लिए, प्लेयर के हसूल के लिए, या आसानी से की जाने वाली रीडिंग के तौर पर जो है वो लिया जाता है। इसे एक रीडर जो है वो खुद से इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, क्लासरूम लिमिटेशंस टू से, उनसे हट कर जो है अपने तौर पर जो है इंडिपेंडेंटली इस रीडिंग को कैरी आउट करता है। श्योरली इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फुल कॉम्प्रीहेंशन को गेन करने का, किसी मटेरियल की फुल कॉम्प्रीहेंशन तक पहुंचने का एक तरीका है। इसको हम जो है वो अपने घर पर फुर्सत के लम्हात में, जब हम फारग हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई मटेरियल चूज़ करके, जैसे कि अखबार पढ़ रहे हों, जैसे कि कोई कहानी की किताब है, कोई पोइट्री बुक है, कोई नावल है, या कोई और इस तरह की कोई भी दिलचस्पी वाली चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है एज रीडर, तो हम उसको जब उसका मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो इसे हम जो है एक्सटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। ताहम इसकी दूसरी शक्ल जो है एकेडमिक भी हो सकती है, कि आप घर पर जो है बहसियत तालिब इल्म जो है अपना जो टेक्स्ट बुक मटेरियल है उसको इम्तहानी नुक्ता नज़र से, या वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अपने
असबाक को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने के लिए, उसकी गहराई में उतरने के लिए, आप खुद से अपने तौर पर विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी इम्पोजिशंस फ्रॉम आउटसाइड, आप पर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जब आप इस सूरत में घर पर किसी भी तरह की टेक्स्ट को, ख्वा वो एकेडेमिक है या नॉन एकेडेमिक है, उसको पढ़ते हैं, तो इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। देन देर आर नो लिमिट्स, नो इम्पोजिशंस, नो रिस्ट्रिक्शंस एंड नो बाउंड्रीज ऑन द रीडर टू गो थ्रू अ टेक्स्ट विद इन ए लिमिटेड टाइम और विद इन ए लिमिटेड स्पेस और विद इन अ लिमिटेड टाइप ऑफ सेट ऑफ हैबिट्स, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। जब बेटे तालब इलम पढ़ने वाला, उस पर कोई पाबंदियाँ ना हों, कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना की गई हों, ज़बरदस्ती उसे जो है मजबूर ना किया जा रहा हो पढ़ने पर, तो ऐसी रीडिंग को जो अपनी मर्जी से, खुशी से, जिसे हम कहते हैं अपनी फ्रेज में, खुशी से, आसानी के साथ अंजाम दी जा रही हो जो रीडिंग, तो ऐसी रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन दिस टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट्स फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डिवेलप जर्नल रीडिंग स्किल्स। इट इज़ कॉल्ड रीडिंग एट लार्ज स्केल, फ्रीली, वॉलंटरीली। एक्सटेंसिव रीडिंग और फ्री रीडिंग और बुक फ्लड और रीडिंग फॉर प्लेजर इज ए वे ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, इंक्लूडिंग अ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट रीडिंग, एज वेल एज फैसिलिटेटिंग एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। इट इज़ बिलीव टू इंक्रीज मोटिवेशन थ्रू पॉजिटिव अफेक्टिव बेनिफिट्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एजुकेशन। फ्री वॉलंटरी रीडिंग रिफर्स टू यूजिंग एक्सटेंसिव रीडिंग इन लैंग्वेज एजुकेशन। स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज अ बुक दैट दे लाइक एंड आर अलाउड टू रीड इट एट देयर ओन पेस एंड चॉइस। द एम ऑफ अ फ्री वॉलंटरी रीडिंग प्रोग्राम इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इंजॉय रीडिंग, सो असेसमेंट इज यूजली मिनिमाइज और एलिमिनेटेड ऑल टूगेदर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक्सटेंसिव रीडिंग में एक लर्नर जो है वो टेक्स्ट को पढ़ता है इंजॉयमेंट के लिए, प्लेयर के लिए, अपनी ईज़ के साथ, लेकिन इसमें जो अपनी वो जनरल रीडिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करता चला जाता है। इस तरह की रीडिंग को हम जो हैं वो हम कहते हैं कि ये एक बड़े पैमाने पर होने वाली, आज़ादाना तौर पर होने वाली, बड़े पैमाने पर आज़ादाना तौर पर रूनमा होने वाली जो रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, इसके मुख्तलिफ नाम इसको बाज़ुका दे दिए जाते हैं। कभी इसको फ्री रीडिंग कहते हैं, कभी बुक फ्लड कहते हैं, कभी इसको रीडिंग फॉर प्लेयर का नाम देते हैं। तो ये बेटे लैंग्वेज को पढ़ने का जो है मुख्तलिफ इसके नाम है। तो इसमें जो है फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग जो है वो ज़्यादा आती है। इसके ज़रिए से हम बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ते हैं, किताबें जैसे कोई मैगज़ीन, जैसे कोई अखबारात एक्सेट्रा, और इसी तरह जो है ये हमारी वोकेबलरी को बिल्ड करने में भी हमारी मदद करती है। जैसे जैसे हम मुख्तलिफ टेक्स्ट में से गुज़रते हैं तो यकीनन हमारा जो फंड ऑफ वोकेबलरी है उसमें इजाफा होता चला जाता है, नए अल्फाज से हमारा सबका पड़ता है, हम उनके मानी जानने की कोशिश करते हैं, अपनी डिक्शनरी की मदद लेते हैं या कंटेक्स्ट में से मीनिंग तलाश करते हैं, और इस तरह से हमारी जो जनरल वोकैब ऑफ दैट लैंग्वेज है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। कहा जाता है कि ये इस तरह की जो रीडिंग है जो खुद से की जाए, इरादतन जो है कोई बाहर से फोर्सेस जो हैं वो हमें मजबूर ना कर रही हों, तो ये हमारी मोटिवेशन फॉर रीडिंग जो है, मोटिवेशन फॉर लर्निंग जो है ऑफ दैट लैंग्वेज, उसमें इजाफे का बायस होती है, और इसके मस्बत असरात जो हैं वो पढ़ने वाले पर मुरतब होते हैं। उसकी जनरल नॉलेज में इजाफा होता है, उसका वर्ल्ड व्यू जो है वो ब्रॉडन होता चला जाता है। ये कहा जाता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है तालीम के अंदर जो है वो बेहद अहम एक आमिल के तौर पर कारफरमा होती है।
फ्री रीडिंग या वकैब जिसे हम वॉलंटरीली रीडिंग जो है वो वॉलंटरी रीडिंग भी कहते हैं, जो खुद से इरादतन एट ईज की जाती है, इसमें लैंग्वेज लर्निंग ख़ास तौर पर जो है इसमें ये बड़ी मददगार साबित होती है। बाकी उलूम के हसूल में भी यकीनन ये रीडिंग मदद देती है, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में ख़ास तौर पर ज़बानदानी जिसे आप कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग जिसे कहते हैं, उसमें ये बड़ी मददगार साबित होती है। इसमें जो है तलबा आज़ादी से किसी भी किताब का इंतखाब करते हैं और अपनी फ्री विल के साथ जो है वो इसे अपनी रफ्तार से अपनी मर्ज़ी से बाज़ औक़ात वक्फे कर कर के भी उसको पढ़ते चले जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया कोई दिलचस्प कहानी है तो यकीनन आप उसको लगातार पढ़ने की बजाय जो है टुकड़ों में बांट कर भी पढ़ सकते हैं कि कुछ पेजेस उसके कुछ हिस्से पढ़ लिए, फिर किसी और काम में मसरूफ़ हो गए, फिर थोड़े से उसके हिस्से देख लिए पढ़ लिए, फिर किसी और काम में मसरूफ़ हो गए। इस तरह से आप उसको पोर्शनाइज़ करके भी आप अपनी टेक्स्ट में से जो है वो गुज़र सकते हैं और अपनी एक्सटेंसिव रीडिंग को मुकम्मल कर सकते हैं। ये इस तरह की जो फ्री वॉलंटरी रीडिंग होती है ये तलबा के अंदर जो है वो ये हिस पैदा करती है कि वो अपनी रीडिंग को इंजॉय करें, उसको एक मींस फॉर इंजॉयमेंट प्लेजर जो है वो लें, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आएगी। उमूमी तौर पर ये होता है कि इस तरह की जो रीडिंग होती है, आपको पता है कि तमाम रीडिंग का जो आउटकम है वो उसके आखिर पर किसी न किसी तरह से कोई इम्तहान या उसकी जो है वो कोई ना कोई असेसमेंट जो है वो की जाती है। लेकिन अमूमन ये किया जाता है कि ये इस तरह की एक्सटेंसिव रीडिंग के आखिर पर जो है बच्चों से कोई इम्तहान वगैरह जो है वो नहीं लिया जाता, रीडर से कोई उसकी असेसमेंट नहीं होती है, इसलिए उसके ऊपर कोई खौफ डर इम्तहान का जो है वो सवार नहीं होता। लिहाजा इस रीडिंग में वो ज़्यादा जो है उस लर्निंग जो है लर्निंग फ्रीली एंड इन्जॉइंग, ये दोनों जो हैं वो साथ साथ फिर चलते चले जाते हैं। अगर हमें ये डर हो, ये खौफ दिल में समाया हुआ हो कि हमने इस पैराग्राफ को अभी मौका पर ही पढ़ना है और इसके सवालों के जवाब अभी फराहम करने हैं और वो दुरुस्त भी होना चाहिए, तो यकीनन हमारे इस खौफ और डर के माहौल में हमारी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मुतासर होगी, उसमें फ़र्क आएगा। अगरचे अगर हम पेनिट्रेट करेंगे तो बेहतरी भी आएगी, लेकिन डर और खौफ के माहौल में पड़ी गई कोई भी चीज़ जो है उससे हमारी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है उसमें डंप आता है। डियर स्टूडेंट्स, द आइडिया बिहाइंड एक्सटेंसिव रीडिंग इज दैट ए लॉट ऑफ रीडिंग ऑफ इंटरेस्टिंग मटेरियल दैट इज स्लाइटली बिलो एट और बेयरली अबव द फुल कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑफ द रीडर विल फॉस्टर इम्प्रूव्ड लैंग्वेज स्किल्स। एक्सटेंसिव रीडिंग दैट इज ER is an approach to second language reading. Indeed, when learners read extensively, they read very easy, enjoyable books to build their reading speed and fluency. Here, students learn to read by actually reading rather than examining texts by studying the vocabulary, grammar, and phrases or structure of the sentences therein. Aziz Talibah Talibat, इस एक्सटेंसिव रीडिंग के पीछे जो मरकज़ी ख्याल है सारा या इसका जो मफहूम है ये है कि जो ये इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है जो हम चुनते हैं, जो स्टूडेंट या रीडर जो हैं अपनी मर्ज़ी से जिसका इंतखाब करते हैं, ख्वा वो उनके जो लर्निंग लेवल है, लर्निंग कैपेबिलिटी का लेवल है, उससे कमतर दर्जे ही के क्यों ना हो। मसलन देखें, आप फ़र्ज़ करें कि आप BS के स्टूडेंट हैं, यकीनन बल्कि सॉरी आप BS के स्टूडेंट हैं, तो आप कोई प्राइमरी क्लास की कोई स्टोरी बुक जो है, बच्चों की स्टोरी बुक जो है उसे ले लें, तो इसे हम कहेंगे बिलो योर लेवल, या आपके लेवल की कोई चीज़ है मटेरियल है वो ले लें पढ़ने के लिए, या थोड़ा बहुत जो है वो आपके लेवल से अबव है। जैसे आप बैक वक्त जो है किसी थीसिस को पढ़ना शुरू कर दें जो आपके लेवल से अभी यकीनन अबव है, तो इस शक्ल में रीडर ख्वा वो अपने लेवल से
अपने दर्जे से, अपने लर्निंग कैपेसिटी के दर्जे से कमतर दर्जे की कोई चीज़ जो है ले, या अपने दर्जे के बराबरी की सतह की कोई चीज़ ले या उससे अबव चला जाए, तो उसका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है उसमें उसकी रीडिंग स्किल्स तीनों शक्लों में जो हैं वो बढ़ेंगी, इन्हेंस होंगी, इम्प्रूव होंगी। तो ये गोया इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन एक्सटेंसिव रीडिंग को क्यों इनक्रेज करते हैं उसके पीछे ये बात है कि भाई ये जिस तरह का भी मटेरियल होगा, खा वो कमतर दर्जे का हो, म्यारी हो, ऊपरी दर्जे का हो, उस बच्चे के या रीडर के पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल वाला मटेरियल चलें कह लें आसानी के लिए हो, तो ये तमाम तरह के जो मटेरियल हैं उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने में उसकी किसी न किसी हद तक जो है यकीनन मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए दिलचस्पी का बायस मटेरियल है। दिलचस्पी का बायस जो भी चीज़ होगी वो हमारी मोटिवेशन में इजाफ़ा करेगी, और जब मोटिवेशन में इजाफ़ा होगा तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। एक्सटेंसिव रीडिंग जो हमारी, जिसे हम ER भी कहते हैं, ये बेटे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, जिसे हम, जैसे हम जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है, उसमें बेहद मददगार साबित होती है। जब रीडर जो हैं वो एक्सटेंसिवली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आसानी के साथ इंजॉय करते हैं किताबों को, तो इससे क्या होता है, दो बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो एक्वायर करते हैं। एक, अब उनकी रीडिंग स्पीड बिल्ट अप होती चली जाती है, उसमें बेहतरी आती चली जाती है। दूसरे, उसमें रवानी आती है, फ्लुएंसी डिवेलप होती है ऑटोमेटिक सिलसिले के साथ, यानी ये फोर्स्ड फ्लुएंसी नहीं है। तो ये अब तालिबे इल्म असल में कर क्या रहा है कि वो दर हकीकत चीज़ों को एक्चुअल सूरत हाल के साथ जो है वो पढ़ रहा है, बजाय इसके कि वो टेक्स्ट के अंदर दिए गए मटेरियल का जो है वो सिंटैक्टिकल जो है वो एनालिसिस कर रहा हो, उसकी वोकैबुलरी का जायज़ा ले रहा हो, ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहा हो, फ्रेजेस को समझने की कोशिश कर रहा हो, स्ट्रक्चर के गुत्थियाँ सुलझा रहा हो, यानी लैंग्वेज की गुत्थियाँ सुलझाने की बजाय यहाँ जो लर्नर है, जो हमारा तालिबे इल्म है, जो हमारा रीडर है, वो सिर्फ उसका जो ओवरऑल मफहूम है, उसका जो थीम है हमारी टेक्स्ट का, उसकी जो मटेरियल उसने चूज़ किया है पढ़ने के लिए, उसको जानकर अपनी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स स्टूडेंट्स चांसेस टू रीड लॉन्गर पीसेज ऑफ रीडिंग, लॉन्गर पीसेज ऑफ टेक्स्ट विच दे चूज, विच दे कैन रीड एट देयर ओन स्पीड एंड फ्री विल एंड एट देयर ओन एबिलिटी level. Extensive reading builds vocabulary as well. When learners read a lot, they meet thousands of words and lexical words, word patterns, that is to say, that are not taught in textbooks. Extensive reading allows the learner to develop an awareness of collocations, that is common word patterns, and thousands of lexical phrases as well. Aziz talba aur talibat, ye hamara session extended होगा एक्सटेंसिव रीडिंग का। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल अलग अलग से असल में सेशंस थे, तो मैंने इनको जानबूझकर एक्सटेंड एक जगह जो है वो कंबाइन कर दिया है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। इसलिए ये हमारा सेशन ज़रा तवील होगा मामूल से हटकर, तो घबराइएगा नहीं, बस ज़रा वक्फा करके इसको देखते जाएं, थोड़ा गैप दे लें इसको सीखने में, लर्न करने में, लेकिन इकट्ठा सीखने में आपको एडवांटेज मिलेगा प्लीज़। तो अब हम इसके बेनिफिट्स, जो फवायद हैं, जो एक रीडर के तौर पर हमें इससे क्या मिलता है, उस पर बात करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग बेटे एक पढ़ने वाले को, एक रीडर को जो है सबसे पहले जो है मौके देती है कि वो बड़े बड़े जो टेक्स्ट्स हैं, कहानियां हैं, किताबें हैं, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जो इनका उसने इंतखाब किया है, और अपनी स्पीड के साथ, यानी वो जैसे हमने पहले बात किया कि वक्फा कर लें, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, कोई और किसी मसरूफियत में आप अंगेज हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, तो अपनी एबिलिटी के लेवल के हिसाब से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये गोया
एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ फैसिलिटेटिंग रीडिंग, ये यूँ कहा जा सकता है कि ये एक सहूलतकार किस्म की रीडिंग है जो हमें हर तरह से जो है हमारी जो है वो सपोर्ट करती है, मदद करती है, अगर कोई रुकावट नहीं डालती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हमारी पहले भी बात हुई है वोकैबलरी बिल्ड करने में भी हमारी मदद करती है। जब हम ज़ाहिर है बेशुमार किस्म की टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हज़ारों किस्म के अल्फाज और अल्फाज के पैटर्न्स, नमूने जिन्हें हम कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है, वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा हमारे सामने आएगा। और इससे क्या होगा, हमारी जो है अवेयरनेस जो है मुख्तलिफ वर्ड पैटर्न्स की, जिन्हें हम लफ्ज़ों की तरतीब कहते हैं, जिन्हें हम सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ों की तरतीब का नाम देते हैं, मैनेजमेंट का नाम देते हैं, अरेंजमेंट का नाम देते हैं या सेंटेंस मेकिंग का नाम देते हैं, तो उससे हमें आगाही होगी कि इस जुमले के अंदर, इस तहरीर के अंदर लफ्ज़ों को किस तरतीब से रखा गया है, और इससे यकीनन हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो भी डेवलप होगी। मतलब हुआ कि ये ना सिर्फ हमारी वोकैबलरी को डेवलप करने में मददगार होगी एक्सटेंसिव रीडिंग, बल्कि हमें जुमलों की बनावट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, उसे भी समझने में हमें मददगार साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स स्टूडेंट्स चांसेस टू रीड लॉन्गर पीसेज ऑफ टेक्स्ट विच दे चूज श्योरली। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग आवर बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, extensive reading helps learners understand grammar. In textbooks, learners meet hundreds of grammar patterns. However, textbooks do not provide enough meetings with grammar for real acquisition to occur. Extensive reading provides opportunities to see grammar in context, so learners can deepen their understanding of how grammar is really used in actual situations. Extensive reading helps learners to build reading speed and reading fluency. In particular, developing reading speed is important because it helps learners to understand language faster and better. One object of extensive reading is reading for pleasure. This builds confidence and motivation, which makes the learner a more effective user of that target language. Aziz talba aur talibat, एक्सटेंसिव रीडिंग ग्रामर को समझने में भी हमारी मदद करती है। देखिए, अभी तक हमने दो फवायद पीछे इसके देखे, मेजर फवायद जो हैं, अब ये तीसरा फ़ायदा हमें, एक फ़ायदा हमने देखा बेटे कि ये वोकैब को डेवलप करने में हमारी मददगार साबित होती है, दूसरे जुमलों के स्ट्रक्चर को समझने में हमारी मदद करती है, फिर तीसरे ग्रामर को जानने में भी हमारी ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है मुमिदो मुआवन साबित होती है। जैसे ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं बेटे किसी ज़बान की, वो हमें ग्रामर के पैटर्न्स नहीं बताती हैं कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और कैसे ज़बान की ग्रामर जो है वो ज़बानदानी में हमारी मदद करती है। तो अगर ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, ये दरहकीकत रियल टाइम में जो ग्रामर है उससे हमारे जो है वाकफियत हमें वहाँ पहुँचाती है, हमें मौका देती है कि हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ग्रामर को जान सकें और ख़ुद से जो है डीपन कर सकें अपने इल्म को, अंडरस्टैंडिंग को, कि ग्रामर जो है वो होती क्या है। बगैर किसी मदद के, किसी ग्रामर बुक की हेल्प लिए बगैर, तो गोया ये हमारे लिए एक उस्ताद का काम भी कर रही है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ ए टीचर, क्लासरूम टीचर, टीचिंग अस हाउ टू नो व्हाट ग्रामर इज़, व्हाट ग्रामर पैटर्न्स आर। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है बेटे हमारी स्पीड और फ्लुएंसी को डेवलप करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ख़ास तौर पर स्पीड रीडिंग जो है वो इसलिए भी अहम होती है ताकि हम जो रुकावटें हैं कॉम्प्रिहेंशन में उन पर काबू पा सकें। तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है लैंग्वेज को समझने में एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो लर्नर्स की मदद करती चली जाती है। इसके अलावा एक और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंसिव रीडिंग का, अगरचे ये अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, मकसद नहीं है सिर्फ प्लेयर के लिए पढ़ना, बल्कि इसका जो है, जब हम प्लेयर के लिए भी पढ़ रहे होते हैं तो वी आर गेनिंग समथिंग, वी आर गेटिंग समथिंग,
वी आर गेटिंग नॉलेज, वी आर ब्रॉडनिंग अवर व्यूज, वी आर मेकिंग ओपिनियंस। तो ये जो है हमारे अंदर इससे एतमाद साजी होती है, हमें तहर्रुक मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, वी आर इंस्टिगेटेड टू लर्न मच मोर बेटर थिंग्स आउट ऑफ दैट टेक्स्ट। तो बेटे ये एक अफेक्टिव जो है लैंग्वेज लर्निंग में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने में और हमारे अंदर मज़ीद तहर्रुक पैदा करने में कि हमें ज़ुबान जो है वो बहरहाल अच्छे अंदाज में सीखने की ज़रूरत है ताकि लोग जिनसे हमारा कम्युनिकेशन हो वो हमें जो बेहतर जान सकें, बेहतर तौर पर हमारी बात समझ सकें, उनसे हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो। तो ये इसके चार पांच जो है बेनिफिट्स हैं और आगे देखते हैं कि मज़ीद इसके और एक्सटेंसिव रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ER हेल्प्स डिवेलप जर्नल एंड वर्ल्ड नॉलेज ऑफ द रीडर। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव rather limited experience and knowledge of the world around them they inhabit in, both cognitively and affectively. ER opens new windows on the world seen through different eyes. This educational function of ER cannot be overemphasized. The learners learn a new vocabulary and review old vocabulary through this reading. It can motivate learners to read at their own free will. Reading material selected for extensive reading programs should address students' needs, tastes and interests so as to energize and motivate them to read more books, more things, more materials. ER helps improve writing skills as well. Aziz talba aur talibat, extensive reading jo hai ek reader ke andar uski journal ability, journal knowledge और वर्ल्ड नॉलेज, वर्ल्ड विजन जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड व्यू जो है उसको इनलार्ज करती है, उसको इन्हांस करती है। इसके अलावा देखिए ना, ये एक जनरल सी बात है कि हम एक महदूद तजर्बा, महदूद इलम के साथ एक महदूद दुनिया में रह रहे होते हैं। जब हम नई चीज़ें पढ़ते हैं, नए तहरीरात में से गुज़रते हैं तो एक नई दुनिया, एक नई ओपिनियन, लोगों के नज़रियात, लोगों के ख़्यालात से हमारी वाकफियत होती है और हम दुनिया को दूसरों की नज़र से देखने से हमारा तजर्बा, हमारा इलम मज़ीद जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये एक तालीमी लिहाज से एक्सटेंसिव रीडिंग जो है बेहद अहम करदार अदा करती है, मजमूई तौर पर जो है हमारी शख्सियत को निखारने में मददगार साबित होती है। नई वोकैबुलरी सीखी जाती है और अपनी पुरानी वोकैबुलरी को हम रिव्यू करते हैं, उसकी गलतियों को दुरुस्तगी मिलती है। इससे लर्नर्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से उनको तहर्रुक मिलता है, वो इंस्टिगेट होते हैं, प्रवोक होते हैं, नई अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो होती है एज रीडर भी और एज इंसान भी। तो रीडिंग मटेरियल जो हम सिलेक्ट करते हैं वो उसको हमारी ज़रूरियात, हमारे टेस्ट, हमारी दिलचस्पियों के मुताबिक होना चाहिए ताकि वो हमें एनर्जाइज कर सकें, मोटिवेट कर सकें। और ये कहा जाता है और ठीक कहा जाता है कि जब हम किसी अच्छी तहरीर को पढ़ते हैं, बार बार अच्छी तहरीरों में से गुज़रते हैं तो हमारा खुद ब खुद जो है कुछ खुद से भी लिखने को दिल करता है कि वाई शुडंट वी बी राइटिंग सच थिंग्स। तो मसलन हम किसी अच्छी कहानी को अगर पढ़कर गुज़रें तो अक्सर हमारे दिल में यह ख्याल आता है कि क्यों ना हम भी एक अच्छी सी कहानी तख्लीक करें। किसी ख़त को पढ़ रहे हों तो हमारा उसका ज़ाहिर है जवाब देने को दिल चाहेगा। तो इट इन्हेंसेस अवर सेंस ऑफ राइटिंग। यूँ कहा जा सकता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग प्रोवाइड्स एन इम्पीटस फॉर राइटिंग स्किल्स एज वेल। तो ये हमें तहरीक देती है, तरगीब देती है कि हमें राइटिंग की तरफ भी जाना चाहिए। तो वह एक अगली स्किल को एक्वायर करने में हमारी ये मदद करती है एक्सटेंसिव रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। देर इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड लिंक बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। बेसिकली द मोर वी रीड द बेटर वी राइट। इट इज सेड कॉमन सेंस वुड इंडिकेट दैट एज वी मीट मोर लैंग्वेज मोर ऑफ्टन through reading, our language acquisition mechanism is
primed to produce it in writing or speech when it is needed. Extensive reading is an effective means of fostering improvements in students' writing skills. It helps to build confidence with extended texts. Classroom reading work has traditionally focused on the exploitation of short texts, either for presenting lexical and grammatical points or for providing students with limited practice in various reading skills and strategies. However, a large number of students in the world require reading for academic purposes and therefore need training in study skills and strategies for reading longer texts and books. Extensive reading is developing students' confidence and ability in facing these longer texts. Aziz talba aur talibat, ye badi mani hui baat hai ki reading aur writing jo hain wo aapas mein munsalik hain. Jab aap reading karte hain to writing jo hai wo usme se crop up hoti hai, nikalti hai. They are interlinked and intertwined skills in communication. बुनियादी तौर पर जब हम जितना ज़्यादा हम पढ़ते जाते हैं, कहा जाता है, ये एक proverbial type of literally spoken sentence है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारा जब वो हमारी लिखने की सलाहियत और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती चली जाती है. मतलब reading helps in improving our writing skills. तो वैसे भी ये common sense जो है ये ज़ाहर करती है कि जितना ज़्यादा हमारी रीडिंग होगी, यानी हमारी लैंग्वेज से जितनी ज़्यादा जो है वाकफियत आशनाई होती चली जाएगी, इतना ज़्यादा जो है वो हमारी यकीनन जो है वो हमारी जो लैंग्वेज की मैकेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो हमारे अंदर जो है वो ठोस अंदाज में उतरता चला जाएगा और हमारा जो है उसको फिर एक्सप्रेस करने को, और एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज को हम दो तरह से करते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग. तो दोनों तरह से फिर हम उसको हमारा उसको प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे. फिर हम रीडिंग से निकल कर फिर हमारा दिल करेगा कि या तो हम उसको लैंग्वेज को बोलें या हम लिखी हुई शक्ल में उसको पेश करें. तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने में हमारी मदद करती है. इसके अलावा ये बड़ी जो हमारी टेक्स्ट हैं, लार्जर टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ने में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हमारी मुमिदो मुआविन साबित होती है. ये जो क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटी होती है जिसे हम रीडिंग एक्टिविटी कहती हैं, ये रवायती तौर पर बेटे ये छोटी टेक्स, मसलन एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, एक पेज या दो पेज मैक्सिमम, उस तक महदूद होती है. और उसमें भी हम क्या करते हैं कि बच्चे को लैंग्वेज अगर वो सीख रहा है तो हम बच्चे को ग्रामर के पॉइंट्स और उसका ढांचा जो है उस तक महदूद कर देते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं. लेकिन अगर ये जो तालिब इल्म है, अगर वो बड़ी रीडिंग जिसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं उसमें से गुज़रे, तो ये उसके लिए जो है वो ये होता है कि वो उसको तालिब इल्म के अंदर जो है एतमाद और सलाहियत जो है उसकी निखरती चली जाती है, बजाय इसके कि हम उसको महदूद सतह पर महदूद चीज़ें जो है वो मुख्तसर अंदाज में बताएं. ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसे मौका फराहम करती है कि वो एक बड़ी दुनिया में, छोटी दुनिया से निकलकर एक बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ today's discussion. To find better and effective ways for students to enjoy reading and learning through English, where they make more and more of the choices and decisions about what they read and how they read, where they are also guided to reflect on their learning and to set specific goals for themselves and can make intelligent decisions themselves about how to reach those goals, it is an excellent way to get students into the habit of reading, develop their habit of reading, and it contributes to vocabulary acquisition, language learning, and increasing the general knowledge of the learners. Reading is individual and silent here at the student's own pace and outside classroom, surely done when and where the student chooses. Reading speed is usually faster than usual
स्टूडेंट्स रीड बुक्स एंड अदर मटेरियल्स दे फाइंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इंजॉयबल एज वेल. एक्सटेंसिव रीडिंग इनहेंसेज द जनरल एबिलिटी ऑफ द रीडर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज. अजीज तलबा व तालिबात, आज के सेशन के इख्तिताम की तरफ आते हुए हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग तलबा के लिए, लर्नर्स के लिए, टू इंजॉय रीडिंग और लर्निंग जो है, ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसमें मदद करती है तलबा की, उसको तालिब इल्म को, रीडर को अपना इंतखाब करने का हक देती है कि वो क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े. ही और शी इज़ फ्री टू चूज़. और इसी तरह अपने वो मकासद का तय्यन खुद कर सकते हैं. इस तरह उसके अंदर ये एतमाद पैदा होगा, ये सलाहियत पैदा होगी कि वो मुनासब अपने जो है वो करियर के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इंटेलिजेंट डिसीजंस जो है वो कर सके. तो हम ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ हमारी वोकैब बढ़ाने में हमारी मदद करती है एक्सटेंसिव रीडिंग, बल्कि हमारी लैंग्वेज लर्निंग को बेहतर करती है और ख़ास तौर पर हमारा जो जनरल विजन है, जनरल व्यू ऑफ लाइफ है, उसको बेहतर करने में हमारी मददगार साबित होती है. आखिरी लाइनों में इसको बड़ी खूबसूरती से सारी एक्सटेंसिव रीडिंग को समेट दिया गया है कि ये एक तरह की एक इनफरादी और खामोश रीडिंग होती है एक्सटेंसिव रीडिंग. अपनी रफ्तार से रीडर जो है वो इसको अंजाम देता है और ये यकीनन क्लासरूम से बाहर होती है, क्लासरूम के अंदर भी यकीनन हो सकती है एक्सटेंसिव रीडिंग इफ़ यू हैव गॉट ए टाइम. और ये जब तालिब इल्म या स्टूडेंट या रीडर जो है वो चाहे इसको अंजाम दे सकता है. रीडिंग स्पीड जो है वो यकीनन मामूल से ज़रा तेज़ होती है, इससे मटेरियल जो है उसको ज़्यादा बेहतरी के साथ, आसानी के साथ समझा जा सकता है और इंजॉयबल भी होती है ये रीडिंग. तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हमारी जो जनरल एबिलिटी है मतलूबा ज़बान सीखने की, उसको बढ़ाने में हमारी बेहद मददगार साबित होती है. बेटे ये सेशन चूँकि इंतहाई तवील हो गया था तो मैंने इसको यहाँ कट शॉर्ट कर दिया है. अभी ये सेशन जो है वो अभी ये हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ. इंशाल्लाह अगले मुख्तसर सेशन में हम इसे जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन. टिल नेक्स्ट कंटिन्यूड सेशन ऑफ एक्सटेंडेड और एक्सटेंसिव रीडिंग, अल्लाह हाफिज़.